हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नयन आईएएस में। और नयन आईएएस में दोस्तों, आप मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास पढ़ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की इस क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं मैं, गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता ऐसा पड़ाव है दोस्तों, ऐसा समझौता है जहां से प्रश्न पूछा भी गया है और हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है। कुछ बातें इसमें थी दोस्तों जो मतलब महत्वपूर्ण है आपके लिए जानना, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में से एक है। तो पिछली क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। इससे क्या क्या प्रश्न बनते हैं दोस्तों, इस समझौते से क्या क्या प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो हम एक आउटलाइन देखेंगे। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। गांधी इरविन समझौता या पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, ठीक है, क्लियर। तो ये दोस्तों सवाल यहां से क्या क्या बनता है, क्या क्या प्रश्न बनता है। जैसे पूछ लिया जाता है कि इस समझौते पे हस्ताक्षर कब हुआ, गांधी इरविन समझौते पे हस्ताक्षर कब हुआ। अब हस्ताक्षर पूछेगा कब हुआ, तो आप क्या बताएंगे, 1931 में। वो कब समय कब था, 1931 का समय था जब गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, ठीक है, क्लियर हुआ। कभी कभी पूछता है कि गांधी इरविन समझौता था क्या, जैसे जितने भी समझौते हुए हैं, कोई सम्मेलन हुआ है उसमें मुख्य बातें क्या थी, ये चीज पूछी जाती है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ, कौन कौन शामिल हुआ, किसने जो है बहिष्कार किया, उसका क्या रिजल्ट निकल के आया, ये मूल बातें रहती हैं। सारी बातें नहीं रहती, केवल दो तीन बातें ऐसी रहती हैं जो आपको जानना बहुत आवश्यक होता है। तो कब हुआ, हस्ताक्षर कब हुआ पूछेगा, तो आप क्या बताएंगे, 1931। अब मान लीजिए इसी समझौते में एक व्यक्तित्व था, बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्तित्व था, उन्होंने ये कहा था कि ये दो महात्माओं का एक समझौता है। ये भी सवाल पूछा गया है, ये भी सवाल पूछा गया है कि किसने जो है इरविन और गांधी जी को दो महात्मा मतलब एक गांधी जी एक इरविन की संज्ञा दी थी, की संज्ञा दी थी, ठीक है। तो इसमें दोस्तों क्या है कि ये पूछेगा चार ऑप्शन देके कि किसने जो है दो महात्मा वाली बात कही थी गांधी इरविन समझौते में, इन दोनों को दो महात्मा की संज्ञा दी थी। वहां आपके पास चार ऑप्शन होंगे, जो सही जवाब होगा वो होगा सरोजनी नायडू। ये सवाल पूछा गया है, सरोजनी नायडू ने गांधी जी को और इरविन को क्या कहा था, दो महात्मा कहा था। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब मान लीजिए एक सवाल ये भी पूछता है कि गांधी इरविन समझौता तो हुआ, लेकिन सब इसमें मतलब उन दोनों को समझौता दिल्ली में कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई, ये भी महत्वपूर्ण है कि जो है किसने मतलब ऐसी बैकग्राउंड तैयार की, समझौते के लिए बैकग्राउंड तैयार की। तो चार ऑप्शन आपके पास आ जाएगा इसमें दोस्तों, किसने जो है ये काम किया था दो लोगों ने, दो लोग ऐसे थे जिन्होंने गांधी इरविन समझौते में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पहला नाम क्या था, पहला नाम था दोस्तों तेज बहादुर सप्रू का, तेज बहादुर सप्रू। और दूसरा क्या नाम था, इनका ज्यादा महत्वपूर्ण है, एम आर जयकर। दूसरा नाम क्या था, एम आर जयकर, ठीक है। ये दो नाम थे जिन्होंने इस समझौते के पीछे अपनी भूमिका निभाई, ठीक है, बात समझ में आई। ये सब सवाल पूछता है महत्वपूर्ण रूप से, तो आप इसके बारे में इस तरह जो है समझने का प्रयास करिए, कहीं से इस टॉपिक से कोई सवाल छूटे ही ना, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो कोई सवाल आपसे नहीं छूटना चाहिए, ठीक है।
अब इसी में एक सवाल और बनता है कि गांधी इरविन समझौते में, ठीक है, गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को, देखिए इसमें महात्मा गांधी के कुछ लाभ थे देश हित में और इरविन के लाभ थे, तो महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार की संज्ञा किसने दी? सांत्वना पुरस्कार मतलब एक जो है लॉलीपॉप कह लीजिए, सांत्वना पुरस्कार की संज्ञा किसने दी? ये भी सवाल बनता है, ठीक है, ये सवाल बनता है कि जो है गांधी जी को हुए लाभ को सांत्वना पुरस्कार की संज्ञा किसने दी गांधी इरविन समझौते के परिप्रेक्ष्य में? तो ये जब आता है तो इसमें क्या है, किसने कहा था, गांधी जी के लाभ, ठीक है, गांधी जी के लाभ मतलब गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में हम देख रहे हैं, सवाल पूरा नहीं लिखेंगे, गांधी जी के लाभ को क्या कहा था, सांत्वना पुरस्कार, सांत्वना पुरस्कार। ये बात किसने कही थी दोस्तों, ये बात किसने कही थी, एलन कैंपबेल जॉनसन, किसने कही थी, एलन कैंपबेल जॉनसन ने, ठीक है, एलन कैंपबेल जॉनसन, जो भी जो है विकल्प होगा आपके पास उसमें जो है यही आएगा, ठीक है। चलिए अब ये हो गई इससे जुड़ी बातें, ज्यादा से ज्यादा क्या प्रश्न आ सकता है आपके दिमाग में, ये भी बन सकता है कि ठीक है एक सवाल और बनेगा जो महत्वपूर्ण कि हुआ क्या, जैसे आपके पास जो विकल्प दे देगा चार विकल्प दे देगा कि गांधी इरविन समझौते में ये हुआ या ये दे देगा ये नहीं हुआ, तो उसको भी जान लेते हैं। मुख्य रूप से क्या हुआ गांधी इरविन समझौते में, मुख्य रूप से क्या हुआ, तो देखिए गोलमेज सम्मेलन, इसके बाद होता है गोलमेज सम्मेलन। अब गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की जो भागीदारी थी इसको सुनिश्चित और सहज बनाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जो है प्रयास था इरविन समझौता। अब देखिए इरविन समझौते में दोस्तों क्या क्या होता है, हर बात जान लीजिए, एक तो कांग्रेस को सहज बनाना था गोलमेज सम्मेलन के लिए, ठीक है, जो मैंने अभी बताया वो विकल्पों पर निर्भर करता है किस तरह विकल्प दिए गए हैं। अब क्या क्या होता है इरविन समझौते में ये जान लीजिए ताकि आप कोई प्रश्न गलत ना कर पाए, ठीक है। गांधी जी के नेतृत्व में क्या हुआ इरविन समझौते में, क्या हुआ, पहला काम ये हुआ कि गांधी जी के नेतृत्व में क्या होता है, कांग्रेस क्या करती है, कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो गई, स्थगित करने के लिए तैयार हो गई, मतलब पहला काम तो यही हो गया, अंग्रेज चाहते थे कि आंदोलन को स्थगित कर दें, ठीक है, तो यह हो गया कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया दोस्तों, स्थगित हो गया, ठीक, पहला काम यह हुआ। अब दूसरी बात क्या हुई, पहली चीज यह हुई, दूसरी बात क्या होती है दोस्तों, सभी युद्धबंदी, ठीक है, जितने भी युद्धबंदी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है आप ध्यान दीजिएगा, जितने भी युद्धबंदी थे सबको रिहा करने का आदेश दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, लेकिन ध्यान दीजिएगा इसमें महत्वपूर्ण है क्या, जिनके खिलाफ हिंसा का अपराध नहीं था, ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या है, सभी युद्धबंदियों, युद्ध बंदियों, ठीक है, सभी युद्धबंदियों जिनके खिलाफ हिंसा का आरोप नहीं था, ठीक है, हिंसा का आरोप नहीं था उनको रिहा करने का आदेश दिया गया,
ठीक है, क्या आदेश दिया गया? सारे युद्ध बंदियों को जिनके खिलाफ हिंसा का आरोप नहीं था, अगर मतलब हिंसा का आरोप है उनको रिहा नहीं किया जाएगा। मतलब मान लीजिए किसी ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है, किसी ने शांतिपूर्ण जुलूस निकाला है, कोई हिंसा नहीं की है, उनको क्या किया जाएगा? उनको क्या किया जाएगा दोस्तों? उनको जो है छोड़ दिया जाएगा, रिहा किया जाएगा। लेकिन अगर जो किसी ऐसे अपराध में जो है गिरफ्तार किए गए हैं कि किसी का मर्डर किया हो, उन्होंने हिंसा की है, उनको छोड़ने की बात इसमें नहीं कही गई है। आपको याद होना चाहिए दोस्तों, इसी समय सरदार भगत सिंह जो है जेल में बंद थे, और सरदार भगत सिंह जो है किस आरोप में बंद थे? हिंसा के आरोप में थे, हत्या के आरोप में थे, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो खड़यंत्र कांड था, लाहौर खड़यंत्र कांड था, उसमें वो बंद थे। तो हिंसा के आरोपियों को छूट नहीं थी, ये बात आप स्पष्ट रखिएगा। सबको जो है छोड़ने का आदेश नहीं दिया गया था, केवल उनको आदेश दिया गया था छोड़ने का जिनके ऊपर हिंसा का आरोप नहीं था। चलिए तीसरी बात क्या थी दोस्तों? विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार। मतलब जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में धावा बोलती थी कांग्रेस, उस तरह जो है आंदोलन नहीं किया जाएगा। शांतिपूर्ण रूप से धरना देने का अधिकार है, मतलब शांतिपूर्ण तरीके से आप अहिंसात्मक तरीके से धरना दे सकते हैं, ठीक है। इसमें और क्या बात निश्चित हुई? क्या निश्चित हुई दोस्तों? कि विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना देने का अधिकार, ठीक है। शांतिपूर्ण तरीके से मतलब जो यहां पर पहले जो है धावा बोल देते थे, उत्पात मचाते थे, मतलब हिंसा का भी सहारा ले लेते थे, उस तरीके से नहीं होगा। शांतिपूर्ण तरीके से अगर धरना देना है तो आप धरना दे सकते हैं, ये बात निश्चित की गई गांधी इरविन पैक्ट में, गांधी इरविन समझौते में। क्लियर हुआ? ठीक है। चौथा, जो चौथा पॉइंट है दोस्तों इसमें, वो क्या है? समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति, मतलब नमक बनाने की अनुमति दी गई आंशिक रूप से। कहां दी गई? जो समुद्र तटीय प्रदेश है वहां पर बिना नमक कर दिए हुए नमक आप बना सकते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है? समुद्र तटीय प्रदेशों में, समुद्र तटीय प्रदेशों में, ठीक है, समुद्र तटीय प्रदेशों में बिना नमक कर दिए, बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति, ठीक है, बिना नमक कर दिए नमक बनाने की अनुमति प्राप्त हो गई, ठीक है। ये है गांधी इरविन समझौते की मूल बातें। और लास्ट में जो है मैंने जो बताया आपको क्या था, कि कांग्रेस जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गई। इसी की बैकग्राउंड बनाई जा रही थी। मैंने कहा कि जो है इस समझौते की एक मूल बात यह भी थी कि कांग्रेस को सहज रूप से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की मेज पे आने के लिए सहज किया जाए, तैयार किया जाए, ताकि बात आगे बढ़ सके। तो ये प्रमुख पॉइंट है दोस्तों गांधी इरविन समझौते के। इसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि अगर विकल्प में कहीं भी इनसे रिलेटेड बातें हो तो आपका प्रश्न गलत ना हो, ठीक है। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस क्या होती है? सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के लिए तैयार हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात, सभी युद्धबंदियों को जिनके खिलाफ हिंसा का आरोप नहीं है, सिर्फ उन्हीं को रिहा करने का आदेश दिया गया। उसके बाद
विदेशी कपड़े और शराब की दुकानों पर धरना देने का अधिकार मिला, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। और जो चौथा पॉइंट है, जो समुद्र मैरीन एरिया है, जहां पर समुद्र तटीय क्षेत्र है, वहां पर बिना नमक कर दिए हुए नमक बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। और लास्ट में यह है कि कांग्रेस को द्वितीय द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार किया गया या तैयार हो गई। ठीक है, तो ये पांच महत्वपूर्ण बिंदु है गांधी इरविन समझौते के। ठीक है, तो इससे रिलेटेड दोस्तों जो भी प्रश्न है वो आपका कभी गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, अब इसमें ये बातें तो थी, चलिए कुछ बातें ऐसी थी जो लाभदायक भी थी। ठीक है, लेकिन जनता इस जो है समझौते से निराश हुई। असली बात क्या थी कि दोस्तों जनता जो थी, जनता जो है क्या हुई, निराश हुई। उसका मुख्य कारण क्या था, मैंने आपको बताया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ठीक है, ये तीनों क्रांतिकारी कहाँ थे, जेल में बंद थे। जेल में बंद थे और जनता इनको फांसी की सजा मिली थी। ठीक है, इनको फांसी की सजा जो है सुनाई गई थी। ठीक है, इनको किसकी सजा सुनाई गई थी, फांसी की सजा सुनाई गई थी। ये बहुत ही विवादित मुद्दा है दोस्तों। कुछ लोग ये कहते हैं कि गांधी जी चाहते तो इनको फांसी न दिए जाने की मांग भी जो है इरविन समझौते में शामिल कर सकते थे। ठीक है, बहुत डिबेटेबल ये जो है मुद्दा है। तो यहाँ पर इस जो है गांधी इरविन समझौते में इस बात को साबित नहीं किया, इस बात को शामिल नहीं किया गया था कि जो है इन तीनों क्रांतिकारियों की फांसी ना हो, बल्कि इसमें ये बात थी कि जो हिंसा नहीं करे हैं, ऐसे आरोप में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। बात समझ में आई, लेकिन इनकी फांसी की सजा की माफी जो है इसमें शामिल नहीं थी गांधी इरविन समझौते में। इसलिए जनता का असंतोष इस समझौते में रहा, क्योंकि जनता चाहती थी कि कम से कम ये बात भी इसमें शामिल की जाए कि इनकी फांसी की सजा माफ कर दी जाए। ठीक है, तो एक चीज ये हुई। चलिए अब दोस्तों बाकी चीजें, सारी चीजें इसमें जो है कंप्लीट है। कहीं से भी अगर प्रश्न आएगा तो आप प्रश्न करने की स्थिति में होंगे। सारी चीजें हमने इस समझौते से जुड़ी हुई स्पष्ट कर दी। अब आगे बढ़ा जाए, ये टॉपिक कंप्लीट होता है, ये टॉपिक इसी के साथ क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब अगला जो टॉपिक है वो क्या है, अब जो अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे दोस्तों वो क्या है, वो है कांग्रेस का कराची अधिवेशन। कांग्रेस का कराची अधिवेशन, कांग्रेस का कराची अधिवेशन महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों कांग्रेस का जो कराची अधिवेशन है एक किस मामले में महत्वपूर्ण है आप समझिए। यहां पर क्या किया गया, पहला अवसर था जब पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया, मतलब ये बताया गया कि पूर्ण स्वराज दरअसल है क्या, किया गया पूर्ण स्वराज को परिभाषित किया गया। मूलतः बात देखिए दोस्तों क्या क्या है। ठीक है, मूलतः बात क्या है इसमें कि इसमें जो है इसको क्या किया गया, परिभाषित किया गया पूर्ण स्वराज। भाई पूर्ण स्वराज चाहिए तो पूर्ण स्वराज है क्या, कांग्रेस ने इसमें स्पष्ट परिभाषित किया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस कराची अधिवेशन की बातों को। अब दोस्तों देखिए गांधी इरविन समझौता जो हुआ, अभी आपने देखा पीछे गांधी इरविन समझौता,
ठीक है, 1931 में संपन्न हुआ ये कांग्रेस का अधिवेशन, जो 1931 में हुआ। तो गांधी जी, गांधी और इरविन समझौता जो होता है दोस्तों, इसी समझौते को मंजूरी भी मिलना जरूरी है अधिवेशन में, क्योंकि दिल्ली में गांधी जी और इरविन के बीच ये समझौता संपन्न होता है। तो इस समझौते को, इसको क्या कहा गया, इसको दिल्ली समझौता भी कहा गया, क्योंकि मैंने बताया दिल्ली में ये समझौता हुआ, तो दिल्ली समझौता, ठीक है, इसको दिल्ली समझौता भी कहा गया। तो इसको मंजूरी देने के लिए, इसको मंजूरी देने के लिए, ठीक है, दिल्ली समझौते को या गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए क्या होता है दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, ठीक है, मतलब कौन अध्यक्ष होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, 26 से 31 मार्च, ठीक है, कब की बात है ये, 26 से 31 मार्च 1931 को क्या हुआ, कांग्रेस का कराची अधिवेशन हुआ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहां क्या क्या होता है, क्रम से सवाल पूछेगा, चार विकल्प देगा आपको कि कराची अधिवेशन किस लिए आयोजित किया गया। एक चीज ये सही है, क्या, कि दिल्ली समझौते या गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देने के लिए, भाई ऑफिशियली उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके लिए मीटिंग होगी, एक अधिवेशन होगा, क्लियर हुआ। तो एक कारण क्या था, गांधी इरविन समझौते को मंजूरी देना, पहली बात। दूसरी बात क्या, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, इसी अधिवेशन में, ये जो कराची अधिवेशन में है, इसमें पहली बार, ठीक है, सबसे पहली बार क्या होता है दोस्तों, सबसे पहली बार कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों, मतलब क्या उसका राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम होगा, इसे भी स्पष्ट करना आवश्यक होगा। तो दो चीज के बारे में, पहली बार क्या होता है, कांग्रेस ने दो बातें, ठीक है, मौलिक अधिकारों, मौलिक अधिकारों मतलब फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों, राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों, ठीक है, दो बातें हैं इसमें, से संबंध क्या किया, प्रस्ताव पारित किया, इससे संबंधित क्या किया, प्रस्ताव पारित किया, दो चीजों से संबंधित प्रस्ताव, एक तो कांग्रेस के राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम क्या होंगे, दूसरी बात मौलिक अधिकारों से संबंधित, क्योंकि आपने देखा मौलिक अधिकारों की बात उठने लगी थी। तो तीन चीजें हमने देखी, क्या क्या, कांग्रेस का कराची अधिवेशन किस लिए हुआ, कांग्रेस ने पहली बार यहां मौलिक अधिकारों से स्पष्ट जो है प्रस्ताव पारित किया इसके संबंध में, और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित प्रस्ताव पारित किया, और क्या किया, और जो है जो गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता हुआ था उसको ऑफिशियली जो है एक्सेप्ट किया गया या उस पे जो है मुहर लगाई गई, ठीक है, ये काम हुआ। चलिए, ये बात समझ में आई आपको, कराची अधिवेशन महत्वपूर्ण है, सवाल यहां से पूछता है, ठीक है। अब दोस्तों, कुछ लोगों ने गांधी जी का विरोध किया यहां पर, जाहिर सी बात है माहौल ऐसा बन रहा था कि गांधी इरविन समझौते का कुछ लोग विरोध कर रहे थे, तो गांधी जी का कुछ लोगों ने विरोध किया, तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, यहीं पर स्टेटमेंट दिया, गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया यहां पर,
कि गांधी गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने स्टेटमेंट दिया क्या कि गांधी मर सकता है, गांधी मर सकता है पर गांधीवाद नहीं। ये भी सवाल पूछता है दोस्तों कि ये कहां कहा था महात्मा गांधी जी ने, ये स्टेटमेंट कहां दिया था कि गांधी मर सकता है गांधीवाद नहीं। तो कराची के कांग्रेस अधिवेशन में 1931 में, जिसके अध्यक्षता किसने की थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। ठीक है, क्लियर हुआ। अब मैंने आपको बताया कि यहां पर पहली बार, ये पहला अवसर था इसी अधिवेशन में, ये पहला अवसर था जब क्या किया गया, पूर्ण स्वराज को कांग्रेस द्वारा परिभाषित किया गया। ठीक है, कांग्रेस द्वारा क्या किया गया दोस्तों, परिभाषित किया गया। पूर्ण स्वराज है क्या, यही बताया। मौलिक अधिकार क्या है, यही बताया। यही उन्होंने अपने राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों की भी रूपरेखा रखी और उससे संबंधित प्रस्ताव पारित किए। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब इसको जो है संकल्प किसने पारित किया, हमने देखा क्या, मूल अधिकारों और आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किया गया कांग्रेस द्वारा। अब ये सवाल बनता है संकल्प किसने प्रारूपित किया था, इसका जो संकल्प था, संकल्प सवाल कैसे बनेगा, मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों, ठीक है, मूल अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों पर संकल्प, संकल्प किसने प्रारूपित किया, इसकी ड्राफ्टिंग किसने की, जो संकल्प बना उसकी ड्राफ्टिंग किसने की, सवाल ऐसे ही पूछता है, संकल्प की ड्राफ्टिंग या प्रारूप कर सकते हैं। ठीक है, ड्राफ्टिंग या प्रारूप किसने तैयार किया, तो क्या होगा इसका उत्तर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इन्होंने ही ड्राफ्टिंग की थी उस संकल्प पत्र की, जो किससे संबंधित था, फंडामेंटल राइट से और नेशनल इकोनॉमिकल प्रोग्राम से। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, ये क्लियर हो गया दोस्तों। और किसने जो है सहयोगी की भूमिका, इसमें पूछेगा कि इनकी सहयोगी की भूमिका किसने निभाई थी, सहयोगी कौन थे इनके दोस्तों, ये थे मानवेंद्रनाथ राय, MN राय, जिनका पूरा नाम क्या था, मानवेंद्रनाथ राय। ठीक है, बात क्लियर हुई। चलिए दोस्तों, अब सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा है, यहां पर उनका स्टेटमेंट भी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बातें भी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, पूछी गई भी हैं। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा, सुभाष चंद्र बोस ने इस कराची अधिवेशन के संबंध में क्या कहा, सुभाष चंद्र बोस ने इस कांग्रेस के कराची अधिवेशन के बारे में क्या कहा, इन्होंने महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा बताया है इसको, इस अधिवेशन को क्या बताया है, महात्मा गांधी के सम्मान और उनकी जो है किस चीज की, लोकप्रियता की पराकाष्ठा, मतलब यहां पर वो अपने सम्मान और लोकप्रियता में कहां कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी की लोकप्रियता और
सम्मान की पराकाष्ठा, ठीक है। इसी अधिवेशन में कहते हैं वो कि इस अधिवेशन में महात्मा गांधी का सम्मान और उनकी लोकप्रियता जो है अपनी पराकाष्ठा पर थी, ठीक है। यहाँ पर ही महात्मा गांधी ने ये कहा कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो ये जो है कराची अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं, जितने भी प्रश्न हैं उनकी ड्राफ्टिंग मैंने की, सारे प्रश्न जो है इसी तरह आ सकते हैं, इससे ज्यादा इसमें टॉपिक में प्रश्न नहीं बन सकता, ठीक है। मैक्सिमम प्रश्न जो है जहां तक बन सकते हैं वो हमने आपको बता दिया, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए ये है हमारा कराची अधिवेशन, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों, ठीक है, अगर घटनाक्रम पूछता है, अब इसी समय दोस्तों देखिए यही वो समय है जब कई घटनाएं एक साथ हो रही हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको जानना यह महत्वपूर्ण है कि कभी कभी घटनाओं का क्रम पूछता है। 1931 में देखिए कई चीजें हो रही हैं एक साथ, ठीक है। तो कई बार घटनाक्रम को एक सीरियल में पूछ देता है। अब मान लीजिए कोई प्रश्न पूछता है इस तरीके से कि स्वतंत्रता संग्राम, स्वाधीनता या स्वतंत्रता, स्वाधीनता संग्राम प्रश्न बनता है, स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक है। अब विचार करने के लिए वो घटनाएं दे रहा है और सही कालानुक्रम बताना है आपको, ठीक है। अब यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, क्लियर, यहां मैं लिख दे रहा हूं। आपको ये बताना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ घटनाक्रम, उसके बाद कौन सा हुआ। तो गांधी इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता, ठीक। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन, ठीक है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। तीसरे नंबर पे क्या है, भगत सिंह की फांसी, भगत सिंह की फांसी, और जो चौथा है वो क्या है, पूना समझौता, ठीक है। अगला है पूना समझौता। अब इसको आपको मिलान करना है, इसको आपको क्या करना है, मिलान करना है, और ये बताना है कि कौन जो है घटना पहले हुई उसके बाद कौन हुई, इसका सीक्वेंस आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको जो है सन के साथ साथ डेट का पता होना बहुत जरूरी है, तो महत्वपूर्ण है, आपको जानना भी जरूरी है। अब यहां देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, गांधी इरविन समझौता, ठीक है। अगर इसमें आपको हम उत्तर बताएं, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता क्या होगा, ये कब होगा, गांधी इरविन समझौता कब होगा, 5 मार्च 1931 को होता है गांधी इरविन समझौता, पढ़ा चुके हैं, ठीक है। भगत सिंह को फांसी, ये होती है दोस्तों 23 मार्च, आपको पता है ये जो है 23 मार्च को शहीदी दिवस है, 23 मार्च 1931 सब में है, लेकिन 5 मार्च को जो है
इरविन समझौता होता है 23 मार्च को। दरअसल भगत सिंह को फांसी 24 मार्च को दी जानी थी, लेकिन मतलब उन विरोध प्रदर्शन को देखते हुए लोग इतने आक्रोशित हो चुके थे, जेल को घेर लिया था लोगों ने, तो 23 मार्च को ही जो है फांसी उनको दे दी गई। तो 23 मार्च 1931। अब इसके बाद अगर हम सही तिथि राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की देखें तो वो कब था, 26 से 31 मार्च। ये था 26 से 31 मार्च 1931, ठीक है, तिथि महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और पूना समझौता की तिथि काफी बात की है, पूना समझौता होता है 24 सितंबर 1932 में, ठीक है, ये काफी लेट होता है। बाकी चीजें 1931 में ही होती है। तो अगर इसको सीक्वेंस में बनाना हो तो हम क्या बनाएंगे, जो भी विकल्प रहेगा ये रहेगा एक, उसके बाद 5 मार्च 1931 को इरविन समझौता तो एक हो जाएगा, उसके बाद 23 मार्च आएगा तो ये हो जाएगा 1 3, और फिर 26 31 मार्च 1931 को कराची अधिवेशन होता है, तो 1 3 2 हो जाएगा, फिर 1 3 2 4 लास्ट में है 24 सितंबर 1932 जब होता है पूना समझौता। दलित निर्वाचन को लेके जो है, जो सांप्रदायिक आधार पे, एक बार तो सांप्रदायिक आधार पे होता है हिंदू और मुसलमान के बीच में कि जो है सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव रखी जाती है मिंटे मारले के हिसाब से जो इम्पैक्ट आता है। अब उसके बाद दलित निर्वाचन की जब व्यवस्था की बात होती है निर्वाचक मंडल की, तो हिंदुओं में फूट डालने की बात होती है, तो उसके लिए जो है फिर अंबेडकर और गांधी जी के बीच समझौता होता है जिसे पूना समझौता कहा जाता है। इसमें ये बात कही जाती है कि उसके लिए अलग निर्वाचक मंडल न बनाया जाए बल्कि जो है सीटें आरक्षित की जाएं। तो चलिए, पूना समझौता था दोस्तों और ये घटनाक्रम था, तो आपको सही तिथियों का भी पता होना चाहिए। जो घटनाएं ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है उनके बारे में केवल वर्ष याद करके काम नहीं चलने वाला, आपको तिथियों को भी ध्यान देना होगा। तो इस तरह जो है हमने देखा कराची अधिवेशन को, ठीक है, कराची अधिवेशन आपका कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगली क्लास में दोस्तों नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी और उसको हम देखेंगे, अगला जो टॉपिक होगा उसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।